और निगम प्रशासन हाय हाय। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। ये कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के हैं, मुखिया हैं, हम इनसे पहले जानते हैं हिटलर की चाल कौन चल रहा है। हिटलर की चाल असले शुक्ला साहब मैं चल रहे हैं, मेयर करम सिंह रिंटू चल रहे हैं। उनका रवैया हिटलर जैसा है, वो हिटलर बने हुए हैं इस वक्त, लेकिन हम हिटलर की चाल नहीं चलने देंगे। अच्छा, अभी आपने कहा है जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्तों की मौत मरेगा, ये किसके लिए कहा है आपने? ये मेयर अमृतसर जो वो हिटलर है, वो हिटलर जैसा सलूक कर रहा है मुलाजिमों के साथ, ये हम हिटलर की चाल नहीं चलने देंगे। अगर चलेंगे तो हम भी ये उनके साथ सीधे हो जाएंगे। बस आपका गुस्सा जायज है, काली पट्टी भी बांध रखी है, पर ये अपमानजनक शायद है। हिटलर की चाल चलने वाला कुत्ते की मौत मरेगा, ये तो इतिहास भी कहता है, पर हिटलर कौन? फिलहाल ये बताइएगा कि कल भी आपने हड़ताल की, आज आपने ये काला बिल्ला लगा के हड़ताल की, और होली के दो दिन पहले यहाँ पे शगुन के गीत बजते थे, लोग भजन कीर्तन करते थे, लेकिन यहाँ पे तो बड़े दूसरे गीत बज रहे हैं, मुर्दाबाद नारे। देखो जी, अज जिहड़े अही काले बिल्ले लाए ने शुक्ला साहब, असी ये काली होली मना रहे हैं, क्योंकि लोग रंग बिरंगे रंगा दे नाल होली का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन सानू मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने काली होली मना वास्ते मजबूर किया। हम चेयरमैन साहब से बात करते हैं, मजबूर किसने किया? आप हमारे साथ चेयरमैन हैं, ये बताइएगा जनाब, काली होली मना रहे हैं काले बिल्ले लगा के, और सबसे बड़ी बात है कि मेयर अमृतसर का पहला नागरिक और गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर साहिब के जो मेयर हैं वो पहले नागरिक है, सेवा करने का मौका मिला है, लेकिन आए दिन करोड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस घोटाले, डिफाल्टर, उसके बाद मुलाजिम, महीने में आपने मेरे ख्याल अगर हम नए साल की बात करें तो ये सातवीं बार आपका रोष मुजाहरा है मेयर के खिलाफ, लेकिन छः बार पहले भी हुआ, लेकिन उसके बाद में फिर अखबार में खबरें आई कि समझौता हो गया। क्या समझौता होता है और क्यों काले बिल्ले लगा के कोरोना के संकट काल में आप लोगों की ज़िंदगी दांव पे खेल रहे हैं? देखो जी, मेयर साहब मानजोग मेयर साहब साढ़े शहर के एक नंबर पर आते, जिस तरह कि CM कैप्टन साहब ने अमृतसर के मेयर साढ़े दूजे CM मने जाते हैं, और एडे जिम्मेदार बंदे हो के सानू होली वेखो किहड़े तरीके नाल मनाई जाती, ना साडी दिवाली सही, ना वाल्मीकि जयंती साडी वाल्मीकि दा जदों प्रगट दिन आउंदा, सानू तेल दे पैसे देंदे ही, वर्दियां दे पैसे देंदे ही, हाँ जी हर चीज़ के पैसे देंदे, पर वो सानू नहीं दे रहे। तो साडी होली भी जिहड़ी होली आई आ, उहदे विच साडियां वेखो गड्डियां बंद कीतियां इन्हां ने, असीं होली की मंगाईए, असीं कालियां ला के पट्टियां ते वेखो रोस मंजारा करने आ, मूंह वर्त भी रख्या ही है। अच्छा, मौन व्रत रखा साहब ने, पर आप तो नारेबाजी करने के लिए मौन व्रत तोड़ देते हैं? नहीं, थोड़ा थोड़ा है, 11 तो 12 लेके बोले नहीं, आ तो चालू किया है 12:30 बजे तक, 12 तो 1 बजे। अच्छा, एक बार बताइए, मैं मेयर जो है पहले नागरिक है, और मेयर को मेयर के खिलाफ सबसे ज़्यादा धरना प्रदर्शन अमृतसर में हुए, अगर हम पूरे पंजाब की बात करें तो क्या वजह है, कहीं ना कहीं कमी क्या रह गई है कि मेयर के ही निशाने पर होते हैं, चाहे वो RTI एक्टिविस्ट के हो और चाहे मुलाजिम के, मेयर ही निशाने पर क्यों?
ये वेखो जी मेयर साहब नूं पता वी निशाने जे क्यों जे कोई जित आर टी आई पी उरा जवाब देण जिस तरह कि अं गए हैं बुधवार मेयर साहब को साडियां उस वेले मंगा मान लेंदे सानूं की लोड़ ही जुम्मेवारी तो आप रहा होंगे भी लो जी कोई गल तो आते ही नहीं कि बस कह देंगे भी कर देंगे कर देंगे किया कि अज तक सानू तो पता लगे साडियां गड्डियां ते नुकरे ला दित्तियां किसी का टायर नहीं किसी का कन्न वखरा किसी का मत्था वखरा सानू गड्डियां देण मशीनरी लिया के सानू देण कोई इहो जिहा मेयर आया कभी अज तक जिहड़ा भी आया उन्होंने पहले मशीनरी प्रोवाइड करके दी उस तो बाद मशीनरी कंडम की है इन्होंने तो मशीनरी कंडम करके बाद ना नवी भी दी तो की यही मेयर का की सलाघा करिए जी मेयर 85 कौंसलर हैं एमएलए हैं एमपी हैं तो आपकी आवाज़ एमपी एमएलए तक जाती है मंत्रियों तक जाती है तो मंत्री और एमएलए एमपी क्यों नहीं बोलते इस बारे में मेयर से क्यों नहीं बात करते मुलाजमों के लिए क्यों नहीं बात करते इलाके के एमएलए हो कोई एमपी मंत्री कोई भी डॉक्टर राजकुमार हो या ओम प्रकाश सोनी हो कोई भी हो वेखो जी वाल्मीकि कौल वास्ते डॉक्टर राजकुमार भी नहीं कभी उतरे तो मुलाजमान प्रति हूँ भी नहीं उतरन दे मैं तो सारे एमएलए साहब नूं मंत्रियों नूं अपील करदा भी साडी आवाज़ जिहड़ी आ उह तुसीं बुलंद करा दिओ साडी आवाज़ क्यों दबाई जा रही है कुछ को मेयर कमिश्नर वेखो साडे ते हैवी होंदे आ और जिहड़े एमएलए मंत्री आ उह साडे नाल तुरन साडी आवाज़ नूं बुलंद कर देण इस तो वट के बदी कि चीज़ हैगी जी मैंने दसा जाए तो वो पीछे क्यों हट रहे हैं क्यों वो पीछे हट रहे हैं एमएलए एक पोस्ट होती है मेयर से बातचीत कर सकते हैं मंत्री हैं दो यहाँ पे दो दर्जा प्राप्त मंत्री ओम प्रकाश सोनी है और दर्जा प्राप्त उनको भी है डॉक्टर राजकुमार के बारे में भी आपने बोला आखिर मुलाजमों की जो पूरे शहर की सेवा करते हैं इनकी बात क्यों नहीं सुनते एम पी एमएलए यहाँ के सियासत मैं कहना जी लाइव भारत चलन दी है शुक्ला साहब नूं मैं अपील करना चाहुंदा वा जिस तरह कि सानू सवाल पुछंदे जे तुसीं एमएलए साहब क्यों नहीं करदे मैं कहिंदा इह सवाल तुसीं उन्हां नूं भी जा के पुछ सकदे जे भी क्यों तुसीं मुलाजमां दा साथ क्यों नहीं दे रहे अही सरकार चुनी आ बनाई साडी सरकार आ ते इहनां नूं चाहीदा वा तुहानूं चाहीदा उन्हां नूं पुछो भी की गल है उन्हां ने तुहानूं सियासत से हम पूछेंगे लेकिन सबसे पहले हम पूछते हैं आशुनार से आशुनार जी इतने लोग काला बिल्ला शनिवार आज आपने जो परंपरा शुरू की थी वो भी तोड़ दी बुत नहलाने की जी जी शामी 4 बजे शाम को हम बुत निहाले जा रहे हैं अच्छा। स्नान कराने जा रहे हैं 4 बजे बुत को स्नान कराया जाएगा क्योंकि आज यहाँ से प्रोटेक्स हमारा 2-2.5 बजे खत्म होगा उसके बाद हमारी जितनी भी फंडरेशन है वो बुत धोने के लिए जा रही है। अच्छा ये बताइए मेयर के साथ क्या आपका लफड़ा है मैं समझता हूँ पूरे पंजाब में अगर मेयर और मुलाजमों के बीच में लफड़ा है तो वो अमृतसर है और अमृतसर है तो वो आशु नहर एंड कंपनी है आपकी पार्टी है आपके लोग हैं तो हर बार आप इससे पंगा क्यों मेयर का मैं यही तो पूछना चाहता हूँ मानयोग मेयर साहब से भी मेयर साहब हर बार आपका मुलाजमों से ही क्यों विवाद पड़ता है क्यों क्यों मेयर से बार बार मुलाजम उग्र होते हैं कुछ तो होगा आप ही बताइए आपकी क्या अच्छा आपकी 2 मांगे हैं एक तो प्रमुख मांगे हैं एक तो है आपका पीएफ घोटाला की जांच हो 800 भर्तियां हो और ये तीसरी ये है जो आपको कंडम मशीनरी आपके पास है आपको मशीन दिया जाए और प्राइवेट के खिलाफ आपकी लड़ाई कहाँ तक पहुँची और आज आप क्या करने वाले हैं नया देखिए रिश्वतखोरी के चक्कर में सभी ही डिपार्टमेंट चाहे हेल्थ हो चाहे सिविल हो चाहे ट्यूबवेल ऑपरेटर चाहे जून को लगा लो जो कोई भी काम है वो प्राइवेट सिस्टम में तब्दील करी जा रहे सिर्फ रिश्वतखोरी के चक्कर में भी 2% कमीशन मिलता है ये प्राइवेट जो यहाँ पे जब आप लोगों की फौज है तो ये प्राइवेट कंपनी को करोड़ों रुपए देना और उस कंपनी द्वारा घर घर 30 रुपए लेना तो करोड़ों रुपए तो जनता से भी वसूला जा रहा करोड़ों दिए जा रहे हैं 10 से 12 गाड़ियाँ अफसरों के ऊपर लेकर चलते हैं जिसमें एक्सीएन आते हैं एससी आते हैं एसडीओ भी वो भी आते हैं सुपरिटेंडेंट भी आते हैं वो अब वो झंडा पास क्या हो गया जो एससी एक्सीएन और सहायक कमिश्नर साहब जो गाड़ियाँ भरते हैं ना 12 गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ बिल्कुल अच्छी कदात में चल भी रही हैं उनके ऊपर सरकारी ड्राइवर भी चढ़े हुए फिर ऐत की मता डाल दी है इन्होंने भी वो गाड़ियाँ प्राइवेट तौर पर हायर करेंगे प्राइवेट ड्राइवर चलाएंगे ठेकेदारी पर जब सरकारी गाड़ी पास है सरकारी तेल पास है सरकारी ड्राइवर पास है तो फिर प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा क्यों बहुत बड़ा सवाल है हम आपको दिखाते हैं गाड़ियाँ और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट गाड़ियाँ के हाथों में क्यों जब हमारे पास सरकारी बंदे हैं सरकारी कर्मचारी हैं मशीनरी दो तो प्राइवेट कंपनियाँ करोड़ों का लेन देन और करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमीशन घर पहुँचती ही होगी कहाँ कमीशन कहाँ पहुँचती है तो मैं नहीं जानता कमीशन का चक्कर है कोई देखिए ये तो फिर क्या इसमें क्या झोलझाल हो सकता है आए ऊपर रंजीत एवेन्यू ऑफिस के ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर कई आरोप लगे हैं तो क्या हुआ आज तक सभी क्या किया मेयर साहब ने सिर्फ मुलाजमों को टारगेट किया मेयर साहब
कैप्टन साहब लोगों का ध्यान रख रहे हैं, आप भी लोगों का ध्यान रखें और शहरवासियों का ध्यान रखें। मुलाजम काम करने को तैयार हैं, मगर आप अपना पहले हिटलर रवैया, आप अपना हिटलर रवैया वो चेंज कीजिए, मुलाजमों से प्यार करिए, मुलाजम काम भी करेंगे। आगे इतने त्यौहार आए, 300 साल आया, 400 साल आया, और भी कई त्यौहार आते हैं, और इतने इतने पवित्र स्थान हैं यहाँ पर, उसकी जिम्मेवारी सफाई की किसने उठाई हुई है? मुलाजमों ने तो उठाई हुई है। गुरु नगरी की सेवा के लिए मुलाजम वचन पाते, लोगों की सेवा के लिए मुलाजम हाजिर हैं, मगर इस टाइम मुलाजमों का भी परिवार है, मुलाजमों के भी बच्चे हैं, मुलाजमों की भी कोई जिम्मेवारी होती है। जैसे कि हमारा PF पूरी तरह खाली पड़ा, हमारी एक कापी खाली पड़ी, LIC की हमारी किस्तें नहीं जा रही, हमें 20-25 तरीके बाद हमें सैलरी मिलती है, हमारे भी बच्चे, हमारी भी ट्यूशन की। चलिए हम बात करते हैं PF की, PF कौन खा गया ये मेयर साहब से पूछिए, बॉस तो ये है। मामला दर्ज हुआ था, जांच कहां तक चली? ना FIR दर्ज हुई, एक क्लर्क को FIR दर्ज, उसके ऊपर FIR दर्ज कराकर उसको अंदर भेज दिया, वो बेल लेकर बाहर आ गया, जितने भी अधिकारी थे इसमें शामिल हुए उनकी ट्रांसफर हो गई, वो वापस फिर आकर सीट पर बैठ गए। अच्छा, ये 400-500 करोड़ का मामला, कितना मामला है ये? कम से कम 400 करोड़ का मामला, 400 करोड़ के मामले में मुलाजम मांग कर रहे हैं, और ये मुलाजम देख रहे हैं ये सब, ये अमृतसर शहर के नगर निगम के मुलाजिम हैं, और ये मुलाजिम हैं, और ये देख सकते हैं इनका रोष प्रदर्शन, देख एक सवाल आपसे, हर बार मेयर निशाने पे क्यों? मेयर की क्या गलती? मेयर कहते हैं आप लोग उन्हें परेशान करते हैं, मेयर की क्या गलती? देखो आपने बहुत वधिया सवाल किया, 26,000 रुपए का सॉफ्टवेयर आंदा, 26,000 रुपए का, जितना तुम मेरे साथी ने कहा भी वह PF कौन खा गया, 26,000 का सॉफ्टवेयर आंदा, कंप्यूटर के उत्ते दो बंदे बहते हैं, वो कंप्यूटर के दो बंदे बहन, सॉफ्टवेयर में ऑटोमैटिकली एग्रीमेंट लगती, जिनों किसी अफसर की एग्रीमेंट आ वह दो दिन पहला लगी होंगी, चौथे महीने लगनी आ, 30 तरीक नई लगी होंगी आ, यह मुलाजमत की कोई सॉफ्टवेयर 26,000 का लिया के लाया ऑटोमैटिकली लग जाए, इन्ने विकास करने के काम के बावजूद भी उत्तर 4-5 कंप्यूटर नवे लाने, 4-5 बंदे नवे रख, उन्होंने सारा ही इल्जाम सही होता वा, जो छोटा छोटा काम नहीं होना तो फिर तो बदनाम आप ही होना। PF घोटाला कब हुआ? PF घोटाले को 16 में PF का घोटाला हुआ है, और आज तक है PF घोटाले का जो है वो मेरे वालिया जी साथी बैठे, चलिए वालिया जी आ गए हैं, जानकार हैं, हम उनसे बात करते हैं। वालिया जी, आप नगर निगम कर्मचारी एसोसिएशन के प्रधान वगैरह क्या हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं नगर निगम कर्मचारी तालमेल दल का प्रधान। तालमेल तो नगर और कर्मचारियों के बीच में तालमेल कितना है? पूरा तालमेल है, तो ये तालमेल है तभी यहाँ पे कर्मचारी यहाँ बैठे हैं और नगर निगम वहाँ पे ऐश कर रहा है, जिनके मुताबिक कुर्सियों पे बैठा है उनको कोई परवाह नहीं, कर्मचारी काले बिले लगा के बैठे, तो तालमेल कहाँ है दोनों में? वो तो राजनीति कर रहे हैं ना इनके ऊपर, मुलाजमों के ऊपर। अच्छा, लेकिन जो असलियत बात है उसको छिपाने के लिए उन्होंने जथेबंदी को जाया हुआ है, वो उनके अपने जो काले कारनामे हैं उनको छिपाने के लिए। बोल सकते हैं पंजाबी बोल सकते हैं? मैं PF के बारे में बताइए, PF के बारे में तुम्हें स्पष्ट तौर पर दसना चाहना कि यह मामला मेरे ध्यान में 2017 में आया सीगा, मेरे वालों कमिश्नर साहब के ध्यान लिया गया मामला 2017 के, कमिश्नर साहब ने वो इनकुआरी कराई, इनकुआरी कराने वास्ते उत्थे इन्होंने हेराफेरी कर ली कि जेडे मुलाजमान ने जेडे अफसर ने घोटाला किया सीगा उन्होंने ही इनकुआरी दे उन्होंने मैंबर नियुक्त कर दिया गया, जिन्होंने पैसे की चोरी की है उन्होंने उन्होंने मैंबर नियुक्त कर लिया गया, और जिन्ने मुलाजम सके उन्होंने प्रोविडेंट फंड की जिनी डिडक्शन होंगी सी वो कट के जोड़ा मुलाजम रिटायर हों पैसा प्रोविडेंट फंड का कट के पेनशन कंट्रीब्यूशन का वो जाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जिदा खाता कमिश्नर कारपोरेशन के नाँ उत्ते है, वो जोड़े पैसे से वो एक चैक जो मुलाजम का वो जो रिटायर होया वो खाते चला गया, सैकेंड चैक जो इन्होंने अफसर ने मिली भुगत साइन करके जेडे अपने नाम उत्ते बनाए गए चैक। ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ अब तक? मामला जो इन्होंने सारा जो सिस्टम जो खरीद लिया गया इन्होंने वालों, ताकि 1,28,00,000 रुपये का घोटाला जो पहली निगाह के सामने आया अज तक। एक ये सारा ड्रामा ये किसने किया, नाम बताइए? प्रशासन। प्रशासन में कौन? प्रशासन मेयर कमिश्नर अफसर सारे पता है, पता है किया किसने, पता है किया किसने, आप बताइए किसने किया, ये पैसे किसके जेब में गए? पैसे जड़े है वो एक लड़की है जी उन्होंने सारी गेम प्लान की थी, गेम प्लान करके
इन्होंने वो प्राइवेट बंदे 2000 खड़े किए थे कि उच्च अधिकारी जोड़े वो बड़े समझदार थे कि असी पैसे किमें इनू हड़पना आ। इन्होंने प्राइवेट बंदे के खाते में पैसे पाए, जोड़े पैसे आ वो लड़की ने कढ़ा के इन्हों दे दिए गए और इन्होंने जोड़े पैसे लड़की ने जमा कराए आ 60 लाख समथिंग जिन्ना भी आ मनु शर्मा और DCFA भगत वो इन्हों के घर जाके लड़की के घर जाके इन्होंने बैंक चो पैसे कढ़ा के उन्होंने दिते आ और लड़की ने पैसे जमा करवाए आ। ये सब बातें आपको पता है, सभी को मालूम है। तो रिश्वत लेने वाला, रिश्वत बांटने वाला, स्कीम बनाने वाला 420 120 भी धाराएं लगती हैं। तो यहाँ पर तो एक लड़की पे उसकी भी मेरे ख्याल जमानत हो गई, बाहर आ गई। तो मामला तो PF है, 400 करोड़ का मामला है, मुलाजिमों का पैसा कहाँ गया, किसके जेब में गया, क्यों जाँच नहीं हो रही? आप तालमेल दल के आप अपने आप को मुखिया मानते हैं तो आपने हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई अब तक? इसके बारे में एक एप्लीकेशन मानयोग लोकपाल जी की अदालत में चल रही है जिदी तरीक 16/4 जी आने वाले समय लोकपाल पे चल रही है। यहाँ के पुलिस कमिश्नर ने आपकी नहीं सुनी, नगर निगम ने मामला दर्ज करवाने FIR करवाने के लिए नहीं लिखा कमिश्नर को? यहाँ के पुलिस कमिश्नर ने मानयोग कमिश्नर साहब जी ने मामला दर्ज करने वास्ते लिखा सीगा। उस वेले दे जिहड़े SP रैंक के अफसर सीगे उन्होंने इनकुआरी की, उन्होंने इन्हों DCFA जिहड़े सीगे उन्होंने दोषी ठहराया गया। दोषी ठहराने तो बाद जो उन्होंने इन्हों के नाम वो दर्ज करने वास्ते जारी कर दिए गए कि इन्हों पर FIR दर्ज की जाए। इन्होंने पोलीटिकल अप्रोच पा के मामले को दबाने की खातर दोबारा री इनकुआरी कराई गई, दोबारा री इनकुआरी करा के वो सीधे तौर के उत्ते इन्हों बरी कर दिया गया कि ये जो दोष ने साबित नहीं। तो बरी किसने किया, बरी किसने किया, अथॉरिटी कौन, अदालत सिट सिट किसकी बैठी आई थी, कौन थे पुलिस अधिकारी थे उसमें, कौन था पुलिस अधिकारी थे ADCPC CP साहब दे जड़ी या उन्होंने ऑर्डर नाल सिट बनी। आपको लगता है ये गलत हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। आप हाई कोर्ट जाए, पहले हाई कोर्ट जाए, लोकपाल में आता रहेगा। आप हाई कोर्ट के संज्ञान क्यों नहीं लाते हाई कोर्ट के, क्योंकि ये आपका अकेले का मामला नहीं है, 400 करोड़ का मामला PF मामला है। आप जाइए हाई कोर्ट, क्यों नहीं जाते आप? पहले इधर जो इंक्वायरी जो केस चल रहा है रहेगी हाई कोर्ट में, आप सर मेंशन कर दीजिएगा हम लोकपाल भी गए। मैं आपको बता रहा हूँ जो लड़की के ऊपर केस दर्ज हुआ है उसका अदालत में केस चल रहा है सर। उसके अदालत में उसके साथी कौन उसके साथ उसके जो भी है उसके उसके जो एडवोकेट जो उनका है उनसे मेरी बात हो गई है। मैंने उनको बता दिया, पूरे एविडेंस दे दिया कि जो ए जो दोषी लोग हैं इनको भी उनकी उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है कोर्ट में। मतलब कोर्ट के थ्रू आप बाकी लोगों पे शिकंजा कसने जा रहे हैं? जी बहुत बड़ी बात है। तो ये सबसे बड़ा खुलासा, कोर्ट के थ्रू PF घोटालों पर कसेगा शिकंजा। लाइव भारत का ये सबसे बड़े घोटाले में ये सबसे बड़ा, आपको बताएं कि 16 अप्रैल है जाँच और लाइव भारत के सामने कहा कि हम अदालत में, अमृतसर की अदालत में, अमृतसर नगर निगम में PF घोटाला करने वालों पर अब कसेगा अदालत का शिकंजा। ये बड़ी खबर थी लाइव भारत पर। आप देख रहे हैं लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत, जान जाए भारत।